तेरी आलोचने अपराली तीन थोड़ा जा काफी तो राजा और रानी रही एक लड़की बड़े मौज से दिन दानी बिता दो और राजा की लड़की हुई जब सयानी तो राजा जी पंडा सिसाई सुधाते हैं। लिखा भाग में करेगा जो शादी बनेगा वह राजा वह पंडा बताते हैं। पाप पापी के मन में बसलगा तो राजा से पंडा गलत बन जाते हैं। और काशीपुर शहर का जब ही नाश होगा राजा तो लड़की के शादी रचाते जी ना बच्चों ही पढ़े दे छीछे लेदर हो जाएगा आहे का बड़े बाबू एक वर्ड बोले काय कोई भी हो एक वर्ड बोले अर्थात समझा दिए हर व्यक्ति के कानों तक सही शब्द पहुंच जाए। देखिए काशीपुर शहर की कहानी है। एक राजा थे काशीपुर शहर में एक राजा थे राजा और रानी और एक लड़की लड़की रही राजा और रानी और एक लड़की बसती परानी थे बाबू साहब। बड़े आनंद कंद से राजा साहब का राजपाट चल रहा था भैया। धीरे धीरे राजा साहब की लड़की सयानी हुई शादी के योग की और जब शादी के योग हुई तो पहले के जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा के जब लड़का लड़की सयान कोई होता था तो किसी पंडा को बुला करके हाथ रेखा दिखाया जाता था। देखिए हमारे लड़के के भाग रेखा में है क्या लड़की के भाग रेखा में है क्या। अब देखिए पंडा को बुला करके राजा साहब अपने लड़की के भाग रेखा दिखावता है। अब पंडा जी वो भाग रेखा लड़की के इतनी जबरदस्त रहे बड़े बाबू साफ साफ लिखा रहा है कि जिस लड़का के साथ लड़की की शादी हुई वो काशीपुर शहर का स्वयं राजा बनेगा। अरे बाबू ई बतिया पंडा जब देखता है तो पंडा जी का ईमान गड़बड़ हो गया। बड़े बाबू पंडा जी का ईमान गड़बड़ हो गई। पंडा जी सोचता है कि अगर हम किसी तरीका से अपन शादी यह लड़की से कर ली तो स्वयं काशीपुर शहर का राजा मैं हाथ तो अपने बन जाते हूँ। बदतमीजी ने बच्चा भाई पता है चला जा। पंडा जी यह बात सोचता है यहीं से कहानी का स्टार्टिंग खासकर कैसे अरे पापी पकड़ा मसल अरे तब छिपा दे पतिया राजा रानी की जो पंडा ना बतावे पतिया राजा रानी की जो पंडा ना बतावे पतिया। तीनों बच्चों के कर्तन वगैरह हम और हमारी छोटी मोटी टीम के लिए यह 51 नंबर प्रणाम है। जय माता दी जय माता दी। एक बच्चे का नाम है का नाम है प्रभास। हेलो अरे छोटा बच्चा के कर्तन वगैरह हम और हमारी छोटी मोटी टीम के लिए प्रभास बच्चे का नाम है प्रभास। बड़े बाबूजी जथा नामे तथा गुड़े सही है जेकर जैसे नाम रहत बात ऐसा कर काम रहत हो के मतलब हमार बाबू आजकल के माँ बहन बेटी हमारे बड़ा उल्टा सीधा नाम रखते थे बच्चों का कैसे। अब पुरनिया लोग हमारे दादा लोग दादी लोग नाम रखत रहे का वे पागल थोड़ी रहे। अरे भैया लड़का पैदा हो तो कौन नाम राम नारायण कौन नाम श्याम नारायण सही है केहू नाम राधे श्याम केहू नाम घन श्याम। जब लड़का पैदा होता था ऐसे ऐसे नाम रखा जाता था और लड़कियां जब लड़कियां पैदा होती थी अरे बाबू जी कौन नाम सीतापति कौन नाम सरस्वती ऐसे ऐसे लड़कियों का नाम होता था। और आजकल आजकल अरे जितना हमारा समाज पढ़ चुकी है आजकल के सबके बच्चे छुक छुक होंगे
अबे पागल शिक्षित नहीं है, शिक्षित है। शिक्षित है क्या? शिक्षित का है, शिक्षित है और क्या मतलब? जैसे लड़का पैदा था, हाँ कहीं हमारे दो भरा है निपुण, हाँ ये तो बात है, तो सबके धारा शिक्षित है। लेकिन आजकल हमार माँ बहन बेटिया बच्चों का नाम जोन हीरोइन के सबसे बढ़िया हीरोइन के जैसे काजल वारे नाम हमारे काम, हाँ सही है भैया काजल जिसका नाम काजल हो उज्जर कप्पो ना कर है। लेकिन राम लक्ष्मण के कहे मतलब है बच्चों का जाम जब भी नाम रखे सोच समझ के अपन कंप्यूटर सही के इसमें देवी देवताओं का नाम हो, बच्चे के बहाना भगवान का और माता रानी के नाम भी आ जाए। और आइए अंकल जी को एक लाइन बोलो भक्ति लाइन बा, तो उसके बाद में कहानी बच्चों को लिखो बस आकाशे लाइन को सुना रहा। अरे बता चिड़ैया चोरी का नाम लेकर बुलाएंगे। आज जब बच्चों का भगवान या किसी देविया का नाम रख दे तो गाली ना दे बाबू साहब, सही है नहीं? जितने अच्छाई उतने बुराई। हमारे बाबू हम पढ़े लिखे नहीं हैं, गलती हमारी क्षमा करी है। और ये शिवा यादव जी के कर्मों द्वारा हम और हमारी छोटी मोटी टीम के लिए 21 रुपया जय माता दी। चिरैया से बोली कौशल्या चिरई देखले यहाँ बलवा में ललना हमार के कहीं से कहीं तब कहीं चाहे कहीं जल्दी बताओ फटाफट बताओ दादा सुन लिया। गाना ये बोले जवाब हम दे के बताई के कहीं कहे कहीं कब कहीं जिस समय भगवान श्री रामचंद्र को राजा दशरथ अपने हाथों से 14 वर्षों के लिए वनवास लिख दिया भगवान श्री रामचंद्र जी और लखन जी सीता जी वन को चले गए
उस समय कौशल्या अपने पुत्र के वियोग में एक पद पक्षी से हाल चाल अपने पुत्र श्री रामचंद्र से पूछा। नाती जी के करकरों द्वारा हम और हमारे छोटी मोटी टीम के लिए 21 रुपए का प्रदान और दादाजी के हम चरण छोटे आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन दादाजी के लाइन निर्गुण आज निर्गुण के तो समय का बिल्कुल सत्य होगी तो सुख है वो अरे चलो के परिषद के अरे चलो के परिषद सबका बाबूजी हमारे कवि जी ने लिखा है आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना सबको है जाना एक ना एक दिन बाबू सबको है जाना। और इसी बात पर आगे मदन गोपाल क्या नाम बा ये भी नाम अच्छा है भगवान कृष्ण का नाम है मदन गोपाल जी के करकमों द्वारा हम और हमारी छोटी मोटी टीम के लिए 101 रुपया जय माता दी। और आगे पन्ना लाल यादव की तरफ से ये क्या आशीर्वाद मांगते हैं। हेलो और आगे हमारे माननीय श्री शिवा यादव छोट सा बच्चा इनके करकमों द्वारा 21 रुपए प्रदान जय माता दी जय माता दी। और कैसे भैया भाग
भगवान दास बड़े बाबूजी गांव का नाम भी नहीं बताए हैं भैया से। हाँ आगे बनगा भगवान दास बड़े बाबूजी भैया के कर्कम द्वारा हम और हमारी छोटी मोटी टीम के लिए 51 पत्र प्रदान हुए माता जी जय माता जी। और अब आइए कहानी के तरफ। हाँ कहानी बढ़ाओ भैया। पंडा वह लड़की के भाग रेखा देख के होकर ईमान गड़बड़ हो गई और राजा साहब से सिद्धा के बजाय उल्टा बता रहे थे। का कहता है कैसे? अरे पापी पापा पसल अरे दादा जी अरे बतिया राजा रानी की जो पंडा ना बतावे बतिया राजा रानी की जो पंडा ना बतावे बतिया छिपावे बतिया और राजा रानी जी से पंडा ना बतावे बतिया। अब पंडा जी सिद्धा के बजाय राजा साहब से उल्टा बतावता कैसे? का कहता है किस लो राजा लड़की को तोहरे घूमी जैसे भमरिया और नष्ट हो जाए तोहरे काशी पर सहरिया अरे पापी पापा मसल तब लगावे बतिया राजा रानी जी से पंडा ना बतावे बतिया राजा रानी जी से पंडा ना बतावे बतिया कि राजा साहब जैसे आप अपने लड़की के शादी कर दिया तैसे आपके काशीपुर शहर एकदम नष्ट हो जाए। राजा साहब चकित हो गए कहीं पंडा साहब ये सत्य है? अरे पंडा जी कहने लगे नारायण 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 नाई नारायण नाई नारायण। अबे बदतमीज हम तुमसे नहीं पूछी था। अरे बाबूजी पंडा एकदम सरी सरा झूठ बोलता है। हाँ सरा सरा झूठ। लेकिन अब आओ राजे का कहते हैं कैसे कि राजा साहब जैसे लड़की के शादी करवा तैसे काशीपुर शहर एकदम नष्ट हो जाए। राजा साहब की होश उड़ गई बस एक लड़की थी बाबू साहब। राजा साहब थर 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 कांपने लगे और कहने लगे पंडा जी इसके बारे में कोई उपाय है? पंडा जी कहने लगे राजा साहब आप पहले आप बताइए अपने लड़की को चाहते हैं या राज्य? हमारे बाबू साहब पहले के जमाने में राजा महाराजा एक चौपाई में लिखा है कि जहां बसो तहां सुंदर देशु जो पति पालत वही नरेशु। जो प्रजा पालने वाले होते थे और राजा कहलाते थे। आजकल के राजा भैया वो बाबू साहब द्वारा दृष्टि करिए हम इनका मिले चाहिए। हाँ साहब बाबू। और जब भैया काउंटिंग होएगा वोट गिन गया अगर कहा नेता लोगन के टेरे धूर के मिल जाए भैया स्कॉर्पियो के धूर टेरे के उनके गाड़ी के टेरे के माध्यम लगावे पाए जाता तो न नामुमकिन है। और इसी बात पर आगे हमारे शिवाजी की तरफ से 21 रुपए आई है। जय माता दी। और इधर राजा साहब थर 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 काटने लगे और कहने लगे पंडा जी हमारे पास बस एक लड़की है। लड़की ना रहे तो हमें कोई कम नहीं है लेकिन मेरा राज बच जाए बहुत बड़ा है जिसमें निज नहीं कितना लड़की दर्जी कितना लड़का हमारे जनता जनार्दन बहुत है इसलिए हमारे लड़की लिए कोई गम नहीं है लेकिन मेरा राज बच जाए। पंडा जी कहने लगे चलो ठीक है मैं अवश्य उपाय अवश्य करूंगा राजा साहब। राजा साहब कहने लगे बताइए आप पंडा जी का बताओ राजा बनवाई और रतिया
सोवत लड़की दिए पेटी नहे लुटाई बस। अरे गंगा में पौरा का बंदा हर समझावे बतिया राजा रानी की बंदा ना बतावे बतिया राजा रानी की बंदा ना बतावे बतिया बचाना है आपको तो अपने लड़की को काठे के बक्शा बनवा करके उसी में बंद करके गंगा जी में पौराधा न रही बांस न बाजी बांसुरी। राजा साहब कहने लगे पंडा जी मुझे कबूल है मेरा राज बच जाए मेरी लड़की खत्म हो जाए हमें कोई गम नहीं। बाबू साहब राजा साहब वही किया जो पंडा ने बताया। हाय 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 लेकिन हमारे कवि जी ने लिखा है ऐसे अरे की ब्रह्मा लिखा सुपूरा होई लड़की रही मेरा बसोई की जवानिया में मातर सुंदरी। अरे भैया जवानी के नींद आलहर हो आंधर हो तू बदतमीज आंधर नहीं आलहर अच्छा कोमल। हाँ हाँ हमार बाबू साहब पुरनिया जतने उमर ढलक जाए उतने नींद न लागे कम हो जाए। अब बाबू जी लड़कई में जवानी में किस तरह मिले चाहे न मिले चाहे नींद आ जाए। हाँ हाँ क्या बात है बाल बात है। अरे कवि जी ने लिखा है सासु इधर राजा साहब अंडा जी के कहने पर अपने लड़की को काठे के बक्शा बनवा करके बंद करके गंगा जी में पौराने जा रहे हैं सासु। लेकिन इधर कवि जी ने लिखा कि ब्रह्मा लिखा सो पूरा हो लड़की रही नी बना सो की जवानिया में मातल सुंदर मतमल मरा की सुंदर सो वही के लगा जानिया जवानिया में मातल सुंदर मतमल मरा की सुंदर सो वही लड़की रही नींद मा सोई की जवनिया में मातल सुंदरी। अरे मकमल परा बिछौना सोई दिलवर जनिया जवनिया में मातल सुंदरी। बाबू जी लड़की गहरी नींद में सो रही है अपने जवानी की मस्ती में राजा साहब आधी रात के समय में उठा करके लड़की को और काठे के बक्शा में बंद करके गंगा जी में तोड़ा दिया। हाय 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 लेकिन हमार बाबू एक हर कोई जानत है कि कवि जी ने लिख दिया है कि ब्रह्मा लिखा सो पूरा हुई और लड़की रही नींद में सोई की जवनिया में मातल सुंदर गाना में चौका लगत बाबू सासु भैया ज्यादा एक बाजार बाजे सासु तो नींद कमारे लड़की सोती उसको है कुछ नहीं खबर भाई नींद कमारे लड़की सोती उसको है कुछ नहीं खबर नींद कमारे लड़की सोती उसको है कुछ नहीं खबर उठा के राजा लड़की को कर दिया बंद पेटी अंदर उठा के राजा लड़की को कर दिया बंद पेटी अंदर उठा के राजा लड़की को कर दिया बंद पेटी अंदर गंगा में पौराज दिन राजा घर को कर दिया सफर गंगा में पौराज दिन राजा घर को कर दिया सफर इधर घाट पे पंडा बैठा तिरनिया सा लटका कर और एक बच्ची गुड़िया इनका नाम है मान्या मान्या जी के तरफ से 21 रुपया और बाबू और आगे भाई नेंसी नेंसी जी के तरफ से हम और हमारे टीम के लिए 11 रुपया और बाबू और आगे अंशी जी अंशी जी ये भैया माँ का रूप है इनका हम बच्चों लड़कियां जितनी छोटी होती हैं हम देवियां मानते हैं और जितने बच्चे छोटे होते हैं हम देवताओं मानते हैं उनको
हमारे पुरखा पुरनिया लोग हैं, ये हमारे पूर्वज का, ये हमारे पूज्य माननीय पिता के रूप में। और देखिए अब आइए हम बच्चों के लिए सोहर सुनवाएंगे, छोटुआर बच्चों के लिए सोहर सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ा कहानी आगे बढ़ाएंगे तब। बड़े बाबू नींद के मारे लड़की सोती, उसको है कुछ नहीं खबर, अब उठा के राजा लड़की को कर दिया बंद टोपी अंदर, गंगा में पौराए भी राजा घर को कर दिया सफर। अब इधर घाटे पर पंडा बैठे दिल में आशा लटकाकर, अरे बाबू 1 किलोमीटर पश्चिम साइड में राजा साहब का मकान था। पंडा जी सोचने लगे कि जब गंगा जी में डालने के लिए लड़की को कह दिया, गंगा जी में डालेंगे ऐसे बहते आएगी, और मैं पकड़ लूंगा, जबरदस्ती शादी कर लूंगा, और जब शादी कर लूंगा तो मैं काशीपुर शहर का अवश्य राजा बन गया। वो बड़े बाबू जी यही सोच करके पंडा जी 1 किलोमीटर पूरब साइड में बैठे हैं, 4 थी लवंडा लेकर बैठे बाबू, 4-5 डंडा लिया सब पे। और इधर बाबू जी पेटी धीरे धीरे बहना शुरू कर दिया, वैसे अब बहती जा रही है, थोड़ी दूर पेटी निकली, अब पेटी के अंदर बाबू साहब जब पानी घुसल तब लड़कियां के अखिया खुलल, वैसे अब लड़कियां चारों तरफ पहुंच बाबू साहब अब वही पेटिया में रोवे ला, कैसे कैसे रोवे लगी बाबू साहब, अरे नजरिया से दूर की Bye.
आज निर्गुण का समय है तो हम आपसे पूछ ली हम एक लाइन लेकर हमें बताई दे भाई ओकरे बाद ना कहानी कैसे 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 आ कहता अरे
जब से अरे बाबू हमारे प्रधान हो गए अब तब से गौआ कोई मोरे भगवान हो इसी बात पर हम और हमारी छोटी मोटी टीम के लिए 21 रुपया जय माता दी जय माता दी। और जब से हमारे बड़े बाबू प्रधान हो गए तब से गौआ तो मेरे भगवान हो गए और छोटा बेटा का ये बच्चा लोनी दे आए एक छोटा सा बच्चा इनके कर्तव्य द्वारा 21 रुपया जय माता दी जय माता दी। छोटे बड़ा का सबका करे निगरानी कालोनी दवाई अच्छा हम कहा अतना मार दिए भगवान जाने तुहार खबरिया छोटे बड़ा का सबका कालोनी दवाई ने बूढ़ा बूढ़ा के पिनिशिन कराई ने हे भैया हाँ। राम लक्ष्मण यादव के सम्मान हो गए सभा करने वाले बड़े बाबू श्री दयाल शिव दयाल बड़ा अच्छा नाम बड़े बाबू जी की तरफ से हम और हमारी छोटी मोट की टीम के लिए 21 रुपए का प्रदान दिए हैं जय माता दी जय माता दी। और अब आइए कहानी की तरफ लेकर चलते हैं हम आप सबको ऐसे क्योंकि कहानी अधूरी हमारे जहाँ तक विचार है कि कहानी अधूरी न छूटे ए भैया इधर पेटी धीरे धीरे बहती जाती है और लड़की उसी पेटी के अंदर में होता अरे नजरिया से तोर की बच्चे भाई लड़का नजरिया से तोर की
जी, राम नरेश अंकल जी, ग्राम पंगावा क्षेत्र रदौली जिला अयोध्या का रहने वाले हैं। हाँ भैया, फैजाबाद बदलिएगा। अरे बड़े बाबू जी की तरफ से 21 रुपया जय माता दी, जय माता दी, और दादाजी के चरण से को हम आशीर्वाद मांगते हैं। अब पेटी धीरे धीरे भाती जात बा ऐसे, अरे मारे ही ले को रहता है गंगा में लहरिया, मारे ही ले को रहता है गंगा में लहरिया। ऐसे, अरे कौने घाट लागे हमारा भारम को नवारिया, कौने घाट लागे हमारा भारम को नवारिया। यही कहकर बाबूजी पेटी के अंदर लड़की रोए रोए छटपटाए छटपटाए बाबू साहब आंसू गिरावत बा चारों तरफ, बाबूजी हाथ लगावत बा, लेकिन पेटी खुलने वाली नहीं बाबू साहब। हाय हाय हाय, भगवान की इच्छा है। बड़े बाबू साहब, पंडा जी 1 किलोमीटर पूरब साई में बैठे हैं और उसी टाइम उसी घड़ी एक मदारी भालू नचाने वाला आधा किलोमीटर पंडा जी से पश्चिम साइड में भालू पनिहारे पहुंच गया, भालू को पानी पिलाने के लिए लेकर पहुंच गया बाबूजी। और जब पेटी देखा मदारी तो भालू को झाऊ के खूंटी में बांध करके और कूद करके बाबूजी पेटी पकड़ लिया। पेटी पकड़ा, पेटी खोला तो लड़की निकली बाबू साहब, लड़की को निकाल लिया, अपने भालू के नाथ पगहा काट करके उसी पेटी के अंदर बंद करके गंगा जी में दौड़ा दिया। लेकिन होता मास्टर ऐसे कि बहते बहते गई पेटारी लिया मदारी गंगा, बाबू जी चौका लगा थे ऐसे, तो बहते बहते गई पेटारी लिया मदारी गंगा, बहते बहते गई पेटारी लिया मदारी गंगा, बहते बहते गई पेटारी लिया मदारी गंगा, बोले पेटारी देखे मदारी लड़की एक नजरिया, बोले पेटारी देखे मदारी लड़की एक नजरिया, बोले पेटारी देखे मदारी लड़की एक नजरिया, लड़की लिया निकाल मदारी भालू दी ना करिया, लड़की लिया निकाल मदारी भालू दी ना करिया। अब इधर घाट पे पंडा बैठे दिल में आशा लपकारी, अरे बाबू चोरी हो गई जाना में बाबू जी, लाइन लगत है, लाइन का लगत है ताचो। अब लड़की को निकाल लिया मदारी और पेटी सरका दिया। अब पेटी जब पंडा जी के सामने ठीक सामने पहुंचती है, पंडा जी एकदम फूल के गदगदा, हाँ बिल्कुल गदगद होगी, सोचत है आज तो मैं काशीपुर शहर का राजा स्वयं बन जाबो आज के बन जाई रे, बहुत हालात हो करो का है, तमीज हम अपन बात नहीं करी भाई, बात पंडा सोचत है। अच्छा ए भैया, अब पंडा जी के सामने जब पेटी पहुंची और पंडा जी पेटी को पकड़ लिया और पकड़ करके बाबूजी ले जा करके कमरे में बंद कर दिया और गांव में जा करके बाबूजी ढिनोरा पिटवा दिया। अच्छा, डुग्गी जिसको कहते हैं, डुग्गी पिटवा दिया, डुग्गी पिटवा दी डुग्गी का, बदतमीजी से अपने बाज में जा रहे आई बहुत सवार है। और पंडा जी कहने लगे, सुनो गांव वालों, कान खोल कर
सुन लो, मैं आज एक मंत्र जगाऊंगा जिस मंत्र से पूरे ग्राम सभा की भलाई होगी। रात में हल्ला गुल्ला अगर होगा तो अपना अपना दरवाजा नहीं खोलना, मत खोलना। गांव वाले कहीं मने ये देखो आज कौन मंत्र जगा रहता है, हो ये कैसन मंत्र जगाई जो हल्ला होई। गांव वाले कहीं अच्छा चुप रहा, देखा भैया आप पंडा जी ले जाकर के पोटी कमरे में बंद किए जब ठीक 8 बजी। पंडा जी सोचता है कितना जल्दी राजा बने हम, शादी हो कितना जल्दी हम राजा बनी। बाबू साहब पंडा जी धीरे धीरे सिकनी खोल करके दरवाजा के अंदर गए, कमरे के अंदर पहुंचे, अंदर से सिटकिनी हाथहीन बुलार अंदर से बच्चों से कहने लगे कि बाहर से ताला लगा दो। अब बच्चा का करे बड़े बाबू, पिताजी के ऑर्डर पाई, दादाजी के ऑर्डर पाई, तो भैया ताला फेंक दी। हाँ बहरो से अब धीरे धीरे पेटी के कुंडा खोलत है। हाय हाय हाय, क्या सोचता है कैसे अपने मन में का सोचता है कैसे अरे पंडा खोल भैया यही 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 बड़े बाबू कितना जल्दी शादी करी, कितना जल्दी काशीपुर शहर के राजा बने। अरे पंडा खोल बेटारी अरे नीलू गैया यही रे दादाई पकड़ के भालू चढ़े बैठा जा यही रे दादाई।